नमस्कार बादशाह अकबर। आइए 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 राजा हर्षवर्धन, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम अपने इस मुगल महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। कैसी बातें कर रहे हैं बादशाह अकबर, आपसे मिलने के सौभाग्य के आगे तो सारी तकलीफें आसान महसूस होती हैं। आपसे भी मिलकर हमें बेहद खुशी महसूस हो रही। धन्यवाद। आप सभी लोगों को हम बता दें, ये हैं हमारे प्रिय मित्र राजा हर्षवर्धन, जमुनापुर के राजा, और ये इनके साथ है इनकी भतीजी राजकुमारी मनीषा। अरे आपको भी हम सबसे मिला देते हैं। ये है हमारे शहजादे सलीम, शाहीखून है हम। ये है रानी साहिबा के भाई के बेटे वासुदेव। दिम्मा। ये है राजा दरबार। ये तीन लोग बिल्कुल काम के नहीं है। अभी हम आपको काम के लोगों से मिला देते हैं। ये है राजा बीरबल, ये मुल्ला दो प्याजा, ये उर्वशी, और ये हम, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा तख्त जिस पर हम बैठे हैं, और आपके पीछे है हमारे मुगल महल का द्वार। द्वार से बाहर निकलेंगे तो आएगा एक गलियारा। गलियारे के थोड़ा सा आगे जाइए तो आएगा चबूतरा, और चबूतरे से आपको दिखाई देगी एक खूबसूरत सी झील। उस खूबसूरत से नजारे के जरा बाईं ओर निकल जाइए तो आएगा जंगल। अब इस जंगल को आप पार करेंगे तो अरे अरे अब्बा हुजूर, ये क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ। क्या है? अरे रुकिए रुकिए शहजादे सलीम, हमने अभी पूरा रास्ता बताया कहाँ है। आप इस जंगल को पार करेंगे तो आएगा पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाके के भी अगर आप आगे निकल जाएंगे तो कुछ छोटे मोटे कबीले और छोटे मोटे गांव आएंगे। इन छोटे मोटे कबीले और गांव को पार करेंगे तो आएगी मुगल सरहद, और मुगल सरहद को पार करने के बाद 20 कोस आगे आएगा आपका राज्य यानी कि जमुनापुर। हाँ हम वहीं से तो आए हैं। ये हम जानते हैं, लेकिन हम इन लोगों को यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़ी दूर से आए हैं, और इतनी दूर से आप सिर्फ हमसे मिलने तो नहीं आए हो। जाहिर सी बात है कि आप यहां पर हमसे कोई बहुत जरूरी बात करने आए हैं, तो बताइए बताइए क्या क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। बादशाह अकबर, दरअसल बात यह है कि सालों से हमारे और आपके राज्य के बड़े ही मधुर संबंध रहे हैं। एक परिवार की तरह, एक कुनबे की तरह हमने एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखा है। अब हम ये चाहते हैं कि संबंध और भी गहरे और मजबूत हो जाए। और वो कैसे होगा? बादशाह अकबर, हम चाहते हैं कि आप बीरबल की शादी हमारी भतीजी मनीषा के साथ करा दें। दरअसल मनीषा बीरबल को बहुत पसंद करती है, मन ही मन चाहती है उसको, तो हमने सोचा कि हम ये रिश्ता लेकर खुद चलकर आपके पास आ जाएं। क्या कहते हैं बादशाह अकबर, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? आपने जो सोचा वो बहुत ही अच्छा सोचा है राजा हर्षवर्धन। हमें बड़ी खुशी होती अगर ये मुमकिन होता तो, लेकिन माफी चाहेंगे, और बड़े अफसोस की बात है कि ये अब नामुमकिन है। अब राजा बीरबल पर हमारा हक नहीं रहा, अब इन पर किसी और का हक हो चुका है। हो, देखिए इन्हें शर्मा भी रहे हैं। क्या हम कुछ समझे नहीं? इनसे मिलिए, ये है उर्वशी। बीरबल की होने वाली हम सफर, बीरबल की होने वाली बीवी। जी हां, बहुत जल्द इन दोनों का निकाह हो जाएगा, और खुशी की बात तो यह है
कि दो दिन बाद इनकी सगाई का दिन भी मुकर्रर कर दिया गया है। यानी कि बहुत ही सही मौके पर आए हैं हम दोनों। रिश्ता ना सही, नए रिश्ते की दावत ही सही। क्यों बीरबल जी, चलेंगे ये बिन बुलाए मेहमान? अरे आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं राजा हर्षवर्धन जी। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि आप हमारे इस खुशी में शामिल हो, और हम आपसे दिल से माफी चाहते हैं कि आपके रिश्ते को ना कह रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप बीरबल जी, रिश्ते तो स्वर्ग में तय किए जाते हैं, बाकी सब तो निमित्त मात्र है। अब जब आपकी जीवन संगिनी ऊपर वाले ने इनको बना ही दिया है, तो ऊपर वाले की मर्जी में दखल देने वाले भला हम कौन होते हैं। हमारी तरफ से आपको आपके आने वाले वैवाहिक जीवन की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं जी। वाह 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 राजा हर्षवर्धन, वाह, क्या विचार है आपके। देखिए देखिए, इसे कहते हैं सोच। हमारी भी सोच बिल्कुल ऐसी ही है झापड़। आपकी सोच नहीं है, आप एक मोच हैं। पैर में आती है ना मोच, मोच। सच मोच? हाँ हाँ सच मोच। कठोर। वाह 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 राजा हर्षवर्धन, वाह। देखिए, दोस्त हो तो हमारे जैसा, राजा हो तो हमारे जैसा। खैर, हम आपको बता दें कि इस खुशी के मौके पर हमने एक बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया है। हमें मेहमान नवाजी का एक मौका दीजिए और इस रंगारंग कार्यक्रम में शरीक होकर इसका लुत्फ उठाइए। समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन हो सकता है जो बीरबल का कत्ल करने की कोशिश कर रहा है और क्यों कर रहा है? कौन है जो जनाब बीरबल साहब की जान ले सकता है? ये सवाल तो आपका ठीक है चापना। क्यों लेना चाहता है, इस सवाल का जवाब हम आपको दे सकते हैं। जाहिर है जनाब बीरबल साहब ने इंसाफ के नाम पे इतने दुश्मन पाल रखे हैं कि कोई ना कोई उनकी जान का दुश्मन हो सकता है। आखिर शोहरत की कीमत तो हर किसी को चुकानी ही पड़ती है। क्यों जान? मुल्ला जी, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। समस्या सिर्फ यही नहीं है बादशाह अकबर, हमारा एक अंगरक्षक गायब है। गायब है? हाँ बादशाह अकबर, हमारा एक अंगरक्षक बिना हमें कुछ बताए, बिना हमसे कुछ पूछे अचानक गायब हो गया है। जबकि हमारा कोई भी अंगरक्षक हमारी इजाजत के बगैर सांस तक नहीं लेता। हमने सारे महल में ढूंढवाया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जहापना, गलियारे में अभी भी एक लाश बरामद हुई है। लाश? आइए। मैं
महल के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, जाइए। ये यहाँ क्या कर रहा है? जहाँ पना वैसे तो सारे कलाकार हादसे के बाद महल छोड़कर जा चुके थे, लेकिन ये यहाँ पर। लेकिन ये यहाँ है मुल्ला जी, इनकी लाश क्या है? इसका मतलब कुछ समझ में आया? इतनी छोटी सी बात तो कोई बच्चा भी समझ सकता है बीरबल जी। लेकिन हम बच्चे नहीं है, जरा हमें समझाइए। ये हम कहना चाह रहे थे, हमारे कहने का मतलब ये है जहाँ पना कि कोई ना कोई तो ऐसा शख्स है जिसने इस फनकार को अगवा करके कार्यक्रम में इसकी जगह ले ली, और वही शख्स है जिसने आप पर हमला किया जनाब बीरबल जी। और कहीं ये फनकार उस हमलावर के राज को फाश ना कर दे, इसीलिए उस हमलावर ने ना बल्कि इस फनकार को अगवा किया बल्कि इसे मौत की नींद भी सुला दिया जहां पना। बिल्कुल सही समझे बुल। जापनम अरे ये तो वही हमारा अंगरक्षक है जो गायब था। जापनम ये हो क्या रहा है हमारे महल में? पहले तो बीरबल पर जानलेवा हमला होता है, यहाँ पर आपके अंगरक्षक की लाश पड़ी है, वहां पर एक कलाकार की लाश पड़ी है, ये बीरबल ये सब क्या है? जहाँ बना दो सूरतों में इसकी हत्या की गई होगी। पहली ये कि इस सारे षड्यंत्र के बारे में इसे पता चल गया होगा, और दूसरी ये कि ये खुद इस षड्यंत्र में शामिल होगा। दोनों सूरतों में जिसका भी ये षड्यंत्र है उसके लिए ये खतरा बन गया था, और इसीलिए इसकी हत्या की गई। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कौन मारना चाहता है? हमें तो कहानी पूरी उल्टी दिखाई दे रही है जनाब बीरबल जी। क्या मतलब है आपका? जहां पर हमारे कहने का मतलब यह है कि ऐसा भी तो मुमकिन हो सकता है कि हमलावर ने निशाना कहीं और साधा था, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से आप उनका निशाना बन गए बीरबल जी। किसी और पर? और कौन निशाना हो सकता है इसका? आप जहां बना आप भी तो जनाब बीरबल जी के कुछ ज्यादा फासले पर नहीं बैठे थे। ओ ना हो कहीं ना कहीं ये सारी साजिश कहीं आपके कत्ल की तो नहीं? मुल्ला जी अगर आपका तर्क सही है तो उस हिसाब से हमारे सबसे ज्यादा करीब तो हर्षवर्धन जी बैठे, तो हो सकता है कि ये साजिश इनकी हत्या की हो। वैसे ये अंगरक्षक भी इन्हीं का है, और यही तो कह रहे थे कि ये अंगरक्षक गायब है और कुछ बताए बिना कहीं चला गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बीरबल, हमारे महल में घुसकर हम पर हमला करना हमलावर के लिए खतरे से खाली नहीं। हाँ लेकिन ये भी सच है कि ये अंगरक्षक इनका था, इनके तौर तरीके इनका आना जाना सारी जानकारी रखता था। अगर ये किसी का कत्ल करना चाहता था इन्हीं का होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है बीरबल कि ये जिसको भी मारने की कोशिश कर रहा था इसे किसने मारा, इसका कत्ल किसने किया? उसी इंसान ने जा बना जिसका ये सारा षड्यंत्र जो हमें आपको या फिर हर्षवर्धन जी को मारना चाहता है। वो जो कोई भी बादशाह अकबर, हमारा यहाँ महल में रुकना उचित नहीं होगा। इन हत्याओं से जाहिर है कि हत्यारा महल के अंदर ही मौजूद है, और अगर वो महल के अंदर ही है तो वो फिर से हमारी जान लेने की कोशिश करेगा, और इसलिए बादशाह अकबर हमारा यहाँ से निकलना ही उचित होगा। ये कहकर आप हमारी मेहमान नवाजी पर और मुगल सल्तनत की जलाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे क्या हम में इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम अपने मेहमान की हिफाजत कर सके? देखिए कल होली है और दो दिन बाद यहाँ पर बीरबल की सगाई, हम चाहेंगे कि आप ये दोनों मौके यहाँ रहकर हमारे साथ मनाएं। हम पर भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे राजा हर्षवर्धन, हम पर भरोसा रखिए। बीरबल ने अपनी पूरी जिंदगी न जाने कितनी जिंदगियां बचाई है, और आज आज कोई
बीरबल की जान लेना चाहता है? उर्वशी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, बीरबल जैसे इंसान की कौन जान लेना चाहेगा? हमें हमें सचमुच बीरबल की बहुत फिक्र हो रही है उर्वशी। हमें भी बहुत फिक्र हो रही है रानी साहिबा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान हमारे पीछे क्यों पड़ गए। अब देखिए ना, जब से हमारी शादी की बात चली है तब से कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ ही जाती है। अब बीरबल जी का नया कोई दुश्मन पैदा हो गया है, अगर वो हमारे सामने आ जाए ना तो हम तो उसे जान तो लेना चाहता है उर्वशी, पर आपकी बीरबल की नहीं बल्कि किसी और की। ये क्या कह रही हैं आप मनीषा? हम सही कह रहे हैं रानी साहिबा, हमने सुना है कि कार्यक्रम में जो चाकू चला वो बीरबल जी के लिए नहीं था, किसी और के लिए था। किसके लिए? हमारे चाचा जी के लिए। पर सबको यही लगता है कि बीरबल जी की जान लेने की कोशिश की गई है। दुश्मन तो है रानी साहिबा, लेकिन बीरबल जी का नहीं, हमारे चाचा जी का। राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा हर्षवर्धन का एक और अंगरक्षक मारा गया। क्या? चलिए। बादशाह अकबर, ये हो क्या रहा है? हमारे एक और अंगरक्षक की हत्या हो गई। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था मुल्ला जी। देखिए, राजा हर्षवर्धन के इस अंगरक्षक की हत्या भी बिल्कुल उसी तरह की गई है जैसे पहले दो हत्याएं की गई। इसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी गई। हो ना हो, ये बात तो साबित हो ही गई है जनाब बीरबल जी, तीनों का कातिल एक ही है और कत्ल करने का तरीका तो साफ बयान कर रहा है जहां बना कि कातिल कोई मामूली सा चलता फिरता इंसान नहीं बल्कि पहुंचा हुआ माहिर पेशेवर खिलाड़ी है। बड़े अफसोस की बात है मुल्ला जी, बीरबल आप दोनों के होते हुए एक और कत्ल का दाग मुगल सल्तनत की पेशानी पर लग गया। तीन कत्ल हो चुके हैं, तीन कत्ल, और कत्ल का नामो निशान नहीं है। क्या जवाब देंगे हम अपनी आवाम को जब वो हमसे ये कहेगी कि यहाँ पर हम अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी आवाम की, अपनी रियासत की हिफाजत कैसे करेंगे? आप चुप क्यों खड़े हैं आप दोनों, बताइए आप, हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? होली खेलनी चाहिए। हैं? जा बना, हम सब मिलकर होली खेलते। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप जनाब बीरबल जी, आपको इल्म भी है आप क्या बके जा रहे हैं? यहाँ मौत की बारिश हो चुकी है, एक हमले में तीन कत्ल के वाक्य हो गए और आपको होली मनाने की पड़ी है। हाँ। जा बना, देखिए हमारी शादी से पहले ये हमारी आखिरी होली है, ऐसा मौका हम व्यर्थ कैसे जाने दे। बड़े ही खुदगर्ज और मतलबी किस्म के इंसान निकले आप बीरबल जी, यहाँ कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल हुए जा रहे हैं और आपको होली खेलने की पड़ी हुई है। आपका फर्ज तो ये कहता है कि आपके होते हुए यहाँ तीन कत्ल हुए हैं, तो आपको होली नहीं बल्कि इस शादी से भी इनकार कर देना चाहिए। क्यों वासू? बिरबल जी, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ये शादी ना करने की कसम खा चुका होता। और तो और बीरबल जी, जिंदगी भर कभी भी किसी से भी शादी ना करने की प्रतिज्ञा ले लेता मैं। हाँ बीरबल जी, अब आप भी प्रतिज्ञा लीजिए और कसम खाइए कि आप ये शादी कभी नहीं करेंगे। खाइए खाइए खाइए। हाँ खाइए ना, खाइए ना, कसम कसम खाइए खाइए कसम। खामोश खरगोश, खरगोश की तरह खामोश, और बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आप दोनों। बादशाह अकबर, हमें बीरबल जी पर पूरा भरोसा है, हमें नहीं लगता कि बीरबल बिना सोचे समझे कुछ बोलेंगे। बताइए बीरबल जी कि ऐसे हालात में होली क्यों मनाई जाए? जी हर्षवर्धन जी, जा बना कातिल हमला करने का एक मौका गवा चुका है, दूसरा मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। हम सब होली मनाएंगे, रंग होंगे, लोग होंगे, भीड़ होगी, शोर होगा, और इस मौके का फायदा कातिल जरूर उठाएगा। हम चाहते हैं कि इस होली पर हम कातिल को वो मौका दें। कातिल आएगा
और हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। बीरबल जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। बादशाह अकबर, कल होली जरूर मनाई जाएगी और हम खुद उस होली की भीड़ में मौजूद रहेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि कातिल हमारे सामने आए और पकड़ा जाए। तो ठीक है, होली मनाई जाएगी, आप लोग आइए हमारे साथ, होली की तैयारियां शुरू करते हैं। आइए। और इस होली के रंगों के बीच हम बिछाएंगे अपने रंगों का जाल।